नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा, खबर दिल्ली से। दिल्ली में सिकलिंग गरीब सिख परिवारों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद डीएसजीएमसी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए थे। आज जब हमारी टीम ने सुल्तानपुरी में रह रहे सिकलिंग गरीब सिख परिवारों से बात की तो उनका कहना है कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमारे इलाके में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिसके चलते हम चर्च जाते हैं जहां हमारी कुछ परेशानियों को दूर किया जाता है। अगर हमारे इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार कुछ बेसिक सुविधाएं देते तो शायद आज हम धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं करते। हम सिख हैं, सिख रहेंगे, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। आइए सुनते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं बदला है हमने। जो नाम के पीछे हमारा कोर था वही है, पंजाबी थे पंजाबी है, इसमें कोई धर्म नहीं बदल रहा है। और हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इसी चीज पे उठाया जा रहा है कि यहाँ पर धर्म बदल रहा है, धर्म बदल रहा है। यहाँ पर कौन कहता है इसमें धर्म बदल रहा है? मैं देखते नहीं, बस कुछ भी नहीं किया हमें। यहाँ यहाँ कभी गली में चक्कर भी मारा, क्या हो रहा है? कूड़ा, तीन साल हो गए, तीन साल हो गए संदीप को, ना तो गली की तरफ झाका, वोट लेके अपने घर में सो जाते हैं, अपने नोट कमाते हैं। वही संदीप कुमार है जिनका भी कांड है। हाँ, कांड आया था जो जेल गया था, वही संदीप कुमार है। आज तक उसने किसी सिकली के दरवाजे पर नहीं झाका और वोट लेके नोट लेके खा के सो जाते हैं। अगर उन्होंने आपके इलाके में विकास कराया तो क्या लगता है? कुछ भी नहीं, नाली तक नहीं बनाई, रोड तक नहीं बनवाया। क्या लगता है अगर उन लोगों ने विकास कराया था आपके इलाके के अंदर तो शायद आज ये धर्म परिवर्तन की जो बातें उठ रही हैं ना उठती? नहीं उठती। जब वो विकास करते यहाँ हमारे या कुछ खर्चा करते नाली रोड बनाते तब तो सब धर्म क्यों बदलते हो? कईयों की लाश पड़ी रहती है यहाँ पे, नशे कर करके आदमी मर रहे हैं, औरतें, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता। जब वोट डालने आते हैं तो वोट दे दीजिए, बस ये कह के वोट लेकर चले जाते हैं। और उस दिन भी ऐसे वोट नहीं मिलते उनको 100-100, 200-200 रुपए में। उस दिन हमारा एक दिन का खाना बनता है इनके वोटों से, इसलिए हम उनको वोट देते हैं, क्योंकि बाद में तो वो पूछने ही नहीं आएंगे ना हमें। बाद में हमें कोई भी नहीं देखता, मरे चाहे जिए। कोठियों में बर्तन मांजे जाती हैं, 10-10 साल की लड़कियाँ क्या उल्टा सीधे काम करके बच्चे वो अपना पेट पाल रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने ही नहीं आता हमें भी। बिल्कुल, यहाँ के जो मेम्बर हैं हमारे बलदेव सिंह जी जो सरना टीम से हैं, खास करके उन्हीं की तरफ से ये कमी हुई है क्योंकि वो वोट तो लेकर चला गया लेकिन यहाँ पर आकर उसने सार संभाल ली। ये थी दिल्ली से अमित महाजन की रिपोर्ट, आप देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया।